तो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग, स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम ब्लेडी सर्वर खेल रहे हैं और अभी हमारा काम बाकी रह गया है सिर्फ इस सर्वर को वाइप करना। तो हम मतलब लगातार इस सर्वर को वाइप किए जा रहे हैं। अब जैसे कि अभी मैं अकेला ऑनलाइन था तो इसलिए मैंने सोचा यार सर्वर को वाइप कर लेते हैं। तो बॉम्ब रखे थे बेस में, मतलब थोड़े बहुत बॉम्ब जो भूपेश ऐसे बना के रख भी देता है ताकि कोई भी बंदा अपना सर्वर वाइप कर सके, बेस रेड कर सके। तो वो सारे बॉम्ब उठा के मैं आ गया हूँ यहाँ पे और मुझे एक ये बेस दिखाई दिया तो इस पर मैं अभी रेड कर रहा हूँ। वैसे रेड कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी क्योंकि छोटा ही बेस था और मतलब जितने भी नए बेस बन रहे हैं ना उन सभी पे हम लोग रेड करते जा रहे हैं। जैसे कभी एस के रेड करता है, कभी भूपेश रेड करता है, कभी वाइल्ड भाई रेड करते हैं जो कि हमारे साथ में खेल रहे हैं। तो मतलब ऐसे हमारे सारे टीममेट रेड करते जा रहे हैं जब भी बेस दिखाई देता है। और देखो काफ़ी जंपर्स आते हैं सर्वर में और वो बेस बनाते हैं, लेकिन उनके बेस बनाने के साथ साथ कुछ घंटों बाद ही हम उनका बेस रेड कर देते हैं ताकि हमें आराम से बेस मिल जाए यार, कोई दिक्कत ना रहे, लास्ट में बेस ड्रॉप पर ज़्यादा बंदे ना आए। तो इसलिए एक बेस तो मैंने उड़ा दिया। उसके बाद में हम लोग पहुँचे, मतलब पूरी टीम के साथ पहुँचे थे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बेस हमें दिखाई दिया था, इस पर रेड करना ज़रूरी थी क्योंकि ये बंदे अगर आगे बढ़ जाते ना तो फिर उसके बाद ये बॉम्ब तैयार कर लेते और हो सकता था कि हमारे बेस पर रेड कर देते। तो इसलिए अभी हम लोग आ चुके हैं कि यार चलो जब बेस मिला है तो उसको भी रेड करते हैं और बंदों को भगाते हैं इस सर्वर से, क्योंकि इस सर्वर में सिर्फ हमारा ही राज रहेगा। और ये पूरा सर्वर, अभी मैं बता रहा हूँ आप सभी को, पूरा सर्वर एक तरह से वाइप हो ही चुका है, कुछ ज़्यादा बेस नहीं बचे हैं। बस ये है कि कुछ जो जंपर्स होते हैं ना वो बेस बना देते हैं तो उनका बेस रेड करना पड़ता है, नहीं तो ऐसा कोई बड़ा लीजन अब नहीं है इस सर्वर में। शुरू में थे लेकिन अब नहीं है, वो सब जा चुके हैं। तो भाई साहब ये देख लो, बेस चारों तरफ से है स्टोन सब ग्रेड और बीच बीच में से है आयरन सब ग्रेड। तो अभी भूपेश भाई के क्राफ्ट में थे बॉम्ब, उन्होंने रेड स्टार्ट कर दिए। तो भूपेश भाई ने कहा था कि यार डोर टू डोर अगर रेड करते हुए चलेंगे ना तो मतलब बॉम्ब कम लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी वो डोर टू डोर ही रेड करेंगे ताकि कैबिनेट जल्दी मिल जाए इस बेस की और मतलब आसानी से हम इस बेस की लूट भी कलेक्ट कर पाए और बेस को भी आसानी से तोड़ दें, क्योंकि मेन काम होता है टीसी का। टीसी को तोड़ते ही तो हम अपनी टीसी लगा के पूरे बेस को वैसे ही तोड़ देंगे। तो चलो, अभी भूपेश भाई ने बताया था कि मतलब बॉम्ब यार जैसे जैसे क्राफ्ट में तैयार होते हैं ना वैसे वैसे फिर वो बॉम्ब लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा रेड में टाइम जरूर लग जाता है ज़्यादा, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सर्वर में कोई एनिमी है ही नहीं यार, और इक्के दुक्के कोई दिखाई देते हैं तो उन्हें तो यार किल कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कोई आने नहीं वाला है वैसे, इसलिए डरने वाली तो कोई बात है नहीं। तो पता चल गया यार कैबिनेट उधर की साइड में, यह एक डोर लगा हुआ है आयरन का और उसी को तोड़ने के बाद में कैबिनेट मिल जाएगी। तो आप लोग देख लो कि पूरा बेस जहाँ पे लूट है ना, अभी वुड स्टोरेज लगाए थे बंदे ने, मतलब इसने शुरुआत की थी और शुरुआत करने के कुछ घंटे बाद ही हम लोग आ गए हैं इसका बेस रेड करने के लिए। अब देखो दोस्तों यार, यहाँ पे ये कमेंट मत कर देना यार मेरे लिए कि आप लोग यार मतलब छोटे छोटे बेस पे रेड कर रहे हो। देखो ब्लेडी सर्वर में हमेशा आपको ज़्यादा बड़ा बेस अधिकतर नहीं मिलता है, अगर कोई बड़ा लीजन खेलता है ना तो उसी का बड़ा बेस रहता है, और जैसे सोलो या डुओ बंदे ही खेलते हैं ना तो उनके छोटे बेस मिलते हैं, ज़्यादा बड़े बेस नहीं मिलते। लेकिन ये लोग भी अगर तैयारी कर लेंगे तो ये भी इतने ख़तरनाक हो जाएंगे कि नाइट में जब हम लोग ऑफलाइन जाएंगे ना तो इनको सिर्फ लगभग 10 मिनट चाहिए हमारा बेस उड़ाने के लिए, जबकि हमारा बेस काफ़ी बड़ा है पूरा आयरन का है। लेकिन रेड कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती ना, तो इसलिए मतलब ऑफलाइन टाइम में आराम से रेड हो जाती है। तो इसलिए सोलो डुओ का भी बेस हम इसीलिए रेड कर रहे हैं ताकि ये भी हमारे बेस पर रेड ना कर पाए। तो इसलिए हमें मतलब पूरा सर्वर वाइप ही रखना है, एक भी बेस नहीं रहने देना है, मतलब अगर वो लकड़ी का भी होगा तो उस पर भी हम तो रेड करेंगे। चलो तो यार दोस्तों, अभी भूपेश ने डोर पे तो बॉम्ब लगा दिए थे और आयरन का जो डोर है ना वो टूट गया है, और अभी मैंने जाके देखा ना तो कैबिनेट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, बंदे ने कैबिनेट पे लॉक भी लगा रखा है। वैसे ज़्यादातर ब्लेडी सर्वर में जो होता है ना मतलब कैबिनेट पे लॉक नहीं रहता है और इसी के साथ साथ लार्ज स्टोरेज पे भी लॉक नहीं रहता है। तो चलो कैबिनेट टूट गई है, एक बार मैं लूट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे वुड काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ नेटल भी कलेक्ट कर लिए मैंने और फ्यूल भी मिला है, स्पेयर भी मिला है। स्पेयर का वैसे भी काम रहेगा यार, हमें वर्क बेंच अपग्रेड करनी पड़ेगी क्योंकि जो जो बैच लेगा ना, जैसे कि मान लो बैच मिली हमें, दोनों बैच जैसे हमारे पास में आ गई, तो जो जो बंदे हमारे बैच लेंगे उनको वर्क बेंच थोड़ी बहुत अपग्रेड करनी पड़ेगी। देखो इस बारे में मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने इस सर्वर के बारे में ये सुना है कि जिनको बेच लेनी है ना उनको अपनी वर्क बेंच को 10 लेवल तक तो करना ही पड़ेगा अपग्रेड, नहीं तो अगर मतलब जैसे कि आपको टर्फ भी मिल जाएगा और आपको बेच भी नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने सुना है। अब वैसे पक्का मुझे पता नहीं यार, मैं भी खेल के देख रहा हूँ, पहली बार खेल रहा हूँ ये सर्वर और हमारी सारी टीम भी पहली बार ही खेल रही है ये सर्वर, तो इसलिए अभी तक इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुना है तो वैसा मैं आप सभी को बता रहा हूँ।
तो चलो यार अभी जल्दी से ये बेस तोड़ देते हैं। कैबिनेट की लूट तो मैंने कलेक्ट कर ही ली थी और मुझे लग रहा है कि इस बेस में वैसे अच्छी खासी लूट मिलेगी। ओ भाई सब ये देखो चारकोल। चलो तो यार बेस को मैं सोच रहा हूँ बाद में तोड़ूँ, पहले चारकोल कलेक्ट कर लेता हूँ। और सल्फर पाउडर भी दिखाई दे रहा है, मतलब बॉम और बन जाएंगे यार, वैसे तो कमी नहीं है फिर भी। और ये आयरन प्लेट भी ले लेता हूँ क्योंकि कारें हम बनाते हैं तो उसमें भी काम आ जाती है। मतलब यार घूमते हैं ना पूरे मैप में तो ये काफ़ी बड़ा मैप है, लैंड ऑफ डाउन काफ़ी बड़ा मैप है जैसे कि आप लोग जानते हो, तो इसलिए इसमें काफ़ी दिक्कत आती है सर्वर वाइप करने में। लेकिन फिर भी कर रहे हैं यार सर्वर वाइप, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है ये। चलो तो जो मेन लूट थी वो कलेक्ट कर लिए, पूरा बेस भी गिरा दिया है हमने। चलो तो यहाँ का तो पूरा इलाका साफ हो गया है, अब आगे चलते हैं यार और बेस देखते हैं। अब दोस्तों इस बेस पे जो लूट मिली है ना मुझे, वो लूट एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी पहले एक बार बैग ओपन किया था, तब शायद आपने ना देखी हो तो इसलिए अभी देख लो। जो लूट मेन मैंने कलेक्ट की है वो ये थी मेरे बैग में, ठीक है। दोबारा फिर से दिखा देता हूँ यार आप लोगों को। 200 स्टील भी मिल गई है। तो अभी यार दोस्तों हम मतलब आगे जा रहे थे, तो भूपेश भाई ने कहा था कि आगे अगर आप लोगों को कोई बेस मिले आप लोग देखते रहो, और जैसे बेस मिलता है तो मुझे स्लीपिंग बैग दे देना, वहाँ पे मैं आ जाऊँगा, बॉम्ब मेरे क्राफ्ट में रहेंगे तो मैं बॉम्ब लगाना स्टार्ट कर दूँगा, मतलब रेड स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक और बेस दिखाई दिया था तो हमने भूपेश भाई को यहाँ पे स्लीपिंग बैग दिया और वो आ गए हैं रेड करने के लिए। यार सीधी सी बात है, तो यार ये बेस वैसे ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं है क्योंकि स्टोन से अपग्रेड है, आयरन नहीं था शायद बंदे के पास में इसलिए आयरन से अपग्रेड नहीं। वैसे इधर का एक डोर मुझे आयरन का अपग्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहा, मतलब कि ये सोलो बंदा होगा शायद मेरे हिसाब से। चलो तो अभी ज़रा सी हेल्थ और बाकी इस वाल की, तो भूपेश भाई के क्राफ्ट में जैसे जैसे बॉम्ब बनते हैं वैसे वैसे ही वो लगाते यार, इसीलिए एक साथ नहीं लगा सकते। तो वाल टूट गई है और अंडरग्राउंड बेस बना रखा है इस बंदे ने, और ये वुड का डोर दिखाई दे रहा है, सिंगल डोर है, इसके अंदर ही कैबिनेट होगी पक्का यार, ये तो मुझे पता चल चुका है। लेकिन अगर सामने की साइड से इस पे बॉम्ब लगाएंगे ना तो हमें ज़्यादा बॉम्ब लगाने पड़ेंगे, इसलिए वाल की साइड से बॉम्ब लगाएंगे क्योंकि इसमें रूफी लगी हुई है, मतलब कैबिनेट रूफी के अंदर कवर में है, ठीक है। तो इसलिए भूपेश भाई ने कहा था कि हाँ हम वाल पे बॉम्ब लगाएंगे ताकि ये वाल टूटे और डायरेक्ट हम बॉम्ब कैबिनेट पे लगा दें। तो चलो यार अभी मतलब वाल तो नहीं टूटी, टूट जाएगी वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और मुझे स्लीपिंग बैग एक ही लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस बेस में, तो उससे मुझे लग रहा है कि ये सोलो बंदे का बेस है। तो वुड स्टोरेज भी रखे हुए हैं वैसे। चलो तो देख लो, मतलब हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था ना कि यहाँ पे कैबिनेट है और बीच में रूफ ही है, तो मतलब अगर डोर से हम तोड़ते ना तो हमें ज़्यादा बॉम्ब लगाने पड़ते। चलो तो अब इस बेस को भी तोड़ने की बारी तो आ चुकी है यार, भूपेश भाई ने बॉम्ब लगा दिए कैबिनेट पे, कैबिनेट टूट चुकी है, अब बस कैबिनेट लगानी है हमें। और यहाँ पे ये एक बंदा ऑफलाइन पड़ा है, मतलब कि ये सोलो बंदे का बेस था जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था यार, क्योंकि एक ही स्लीपिंग बैग मुझे दिखाई दे रहा था। अब यार दोस्तों एक खास बात बताऊँ मैं आप सभी को कि मतलब हम पूरे मैप में घूम रहे हैं ना, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि इस सर्वर में हमें काफ़ी ज़्यादा है ना बोट बेस भी मिल रहे हैं, मतलब बोट बेस से काफ़ी लूट भी मिलती है और बोट बेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। एक दिन में 2-3 बोट बेस तो हमें मिल ही जाते हैं रेड करने के लिए, तो हम उन पर भी रेड कर रहे हैं यार, हम बोट बेस भी नहीं रहने देते क्योंकि मतलब एक चक्कर पड़ जाता है, जैसे कि ऊपर से हम लोग निकल रहे हैं हेलीकॉप्टर से या फिर ग्लाइडर से और नीचे बेस दिखता है, जब हम उतर गए तो फिर उसके बाद अगर वो बोट बेस भी है तो भी उस पर रेड कर ही देते हैं ताकि हमें लूट मिल जाए यार, मतलब थोड़ी स्टील मिलेगी तो उससे हम हमारे बेस को और ज़्यादा अपग्रेड कर पाएंगे स्टील से। तो अभी मैंने एक कैबिनेट क्राफ्ट में लगा दिए तैयार होने के लिए, वो इसलिए कि यार मतलब इस बेस को तोड़ना है ना, तो इसलिए मैं मतलब एक कैबिनेट लगाऊंगा। अभी भूपेश भाई कैबिनेट नहीं लगा सकते, उसका एक कारण ये है कि मतलब उन्होंने पहली बात तो हमारा जो मेन बेस है उसको उन्होंने बनाया है तो उसमें कैबिनेट लगा रखी है उन्होंने, और दूसरी बात एक ये है कि मतलब उनके बॉम्ब क्राफ्ट में है ना तो उनके जो चारों नीचे के स्टैक रहते हैं वो चारों के चारों फुल है, तो इसलिए वो कैबिनेट बना ही नहीं सकते, तो इसलिए कैबिनेट अभी फ़िलहाल मैं लगा रहा हूँ। मतलब आप लोग जानते हो यार दोस्तों कि मतलब जिसके क्राफ्ट में बॉम्ब होते कई बार मेरे भी रहते थे तो मैं भी कुछ भी नहीं बना पाता था, तो वही बात है अभी भी। तो यार इधर तो कैबिनेट है, इधर की वेसल तोड़ता हूँ मैं, नहीं तो उल्टा हो जाता अभी। तो अब मैं लूट देखता हूँ एक बार क्या लूट मिली, वैसे सोलो बंदे का बेस था, कुछ खास लूट नहीं मिलेगी, लेकिन बेस उड़ाना था हमें इसलिए बेस को उड़ा दिया है, और ये लूट मिली है इसके पास से, मतलब इस बेस में ये लूट मिली है। अब बीच में मतलब इक्के दुक्के छोटे मोटे बेस हमने और उड़ा दिए थे, उनका वीडियो मैंने नहीं दिखाया सभी को क्योंकि वो कुछ खास बड़ी मतलब रेड नहीं थी।
तो दोस्तों इस सर्वर में खेल के हमने काफ़ी ज़्यादा मज़े भी किए और मतलब काफ़ी मज़ा आया इस सर्वर को खेलने में। और अभी मैं आपको बता दूं कि बैच ड्रॉप आने में अब कुछ ही टाइम बाकी है और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एनिमी बैच ड्रॉप पे नहीं आएंगे। तो अभी ऐसे ही मैं मिशन करने के लिए भूपेश भाई के साथ टैंक फोड़ने के लिए आया था बजूका से यार, जैसे कि एक मिशन आया था उस वजह से मैं बजूका चला रहा हूँ टैंक पर। तो दोस्तों हमारा इस सर्वर का अगला वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें बैच ड्रॉप आएगी, बैच ड्रॉप हमें मिलती है या नहीं वो सारा का सारा मैं आप सभी को दिखाऊंगा यार, तो इसलिए अगला वीडियो मिस मत करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।